घोड़े की जो एम्बुलेंस आई है यहाँ पे, और उसके पीछे एक पिकअप भी आई है। ये देखिए पुष्कर की, आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हो पुष्कर में, कि यहाँ पे जो घोड़े की एम्बुलेंस आई है ये देखिए। दूसरी बात, उसके पीछे एक गाड़ी और है। और जी वेलकम सरवण जी, वेलकम वेलकम। क्या यार, थोड़ा सा यार सरवण जी ने मिलके पुष्कर मेला लगा दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो यार, हम सभी क्या आंसू भाई, अरे मैंने नहीं, हम सभी ने लगवाया है, हम सभी ने लगवाया है, सभी का सपोर्ट है इसे। बिल्कुल आपका निवेदन स्वीकार किया जाएगा आशु भाई, और सभी को मैं तो अभी जस्ट उतरने वाले हैं हमारे, अभी रामेश्वर जी के भी जानवर तैयार लोड हो गए हैं वहाँ से, आने वाले हैं, आने वाले हैं। संदीप भाई आ गए, सुनील जी का घोड़ा आ गया, सारे किसानों के, सुखाराम जी नेवड़ा के घोड़े आ रहे हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, ये टंडन साहब का घोड़ा भी आया है इस वैन में। बहुत ही बढ़िया शुरुआत है साहब आप सभी की। और मेवड़ा साहब कब जा रहे हो, घोड़े वोड़े आ रही है, आ रही है साहब। बढ़िया बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ साहब, अभी इस वैन में आप देख रहे हो कि घोड़े जो पहुंच गए हैं, और इस तरफ भी देखिए ऊँटों की जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरफ आप देख पा रहे हो एक ये एम्बुलेंस आई है, और इसमें एक घोड़ा है, और दूसरी तरफ ये एक ऑटो आया है, इसमें भी दो घोड़े आए हैं। तो जो भी ये भाई वीडियो देख रहा है वो लाइव शेयर कर दे इस वीडियो को। आपको ये सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ पुष्कर से, ये देखिए इसमें आए हैं घोड़ा और दो घोड़े, ये इधर खड़े हैं ये देखिए। तो मैं कहूँगा कि पुष्कर मेले की शुरुआत है जो घोड़ों से होती है और हो गई है, और सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आदमी तक ये वीडियो पहुँचे और वो पुष्कर मेले में अपने घोड़े लेकर पधारे। क्या रामेश्वर जी, शाम तो खूब आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल साहब, मंगाओ मंगाओ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है साहब। एक दो दिन कम ही आते हैं, फिर बाद में आते हैं। अच्छा अच्छा, एक दो दिन में पूरा मेला। चलो शुरुआत तो ही अच्छी बात है ना, किसानों के जितने भी जानवर है, नोकल जानवर सारे आ जाएंगे, और हरियाणा गुजरात पंजाब वालों को सबको कह रहे हैं जानवर आएंगे और मेला भरेगा। बिल्कुल 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 रामेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस मुहिम में आगे जुड़े। कल भी बोल दिया जानवर आएंगे तो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो लोगों का सपोर्ट मिले तो किसान क्या है, 12 महीने से इस मेले के इंतजार में ही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, कि भाई हमारा जानवर बेचेंगे तो हमें उसको पैसे देना है, उसको देना, हमारा घर खर्चा चलाना। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस मेले में जो जानवर नहीं बिक्री होगी तो कैसे घर कैसे भी कैसे होगा, कैसे किसान क्या करेगा साहब, यही तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सभी लोग ये देख रहे हो अजमेर के टंडन स्टेट फार्म से ये घोड़ा आया है, और अभी अभी पहुंचा है पुष्कर की धरती पर। जय हो पुष्कर राज की। जानवर आ रही है, किसी को आगे होना पड़ेगा। मैं तो कब पक्का आ गई ना, रामेश्वर ला रहा है तो ला रहा ही ला रहा है क्या सरवण जी? बिल्कुल 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 साहब, रामेश्वर जी बिल्कुल सही बात है। किसी को आगे होना पड़ेगा, देखो आगे तो अपने को ही होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अपन ही अगर पहल नहीं करेंगे, साथ में रहते हैं भाई, अपन पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी, अपना जी, मेला है। बिल्कुल ये रामेश्वर जी के जानवर देख लो भाई, अपना मेला है ये। सरवण भाई नहीं लाएंगे तो चुकाएंगे कहाँ से? बिल्कुल सही बात है, लोगों से उधार माल लिया हमने। सही बात है, सही बात है, माल नहीं बेचेंगे तो चुकाएंगे कहाँ से लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, और सरकार को हिसाब से दिया हमको कि मेला बेच के देना, सरकार को ये माल नहीं लगेगा, इसी पे बैठे लोगों कैसे पैसे चुकाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। आज 28 जानवर है हमारे पास, 28 जानवर बेचेंगे जब तो हमारा प्रशासन चुकाएंगे, चाहे कुछ भी करो हम तो जानवर लाए हैं बेच के जाएंगे। बस बिल्कुल, और प्रशासन कह रहा है की बीमारी भैसे हमारे घोड़े खड़े आते हैं, कोई में घोड़े में देखो ना आप, एक जानवर में बीमारी बता दो हम मान लेंगे। जुड़ रहे हैं बंटी भाई, बंटी भाई से थोड़ी बात करेंगे अपन। बंटी भैया नमस्कार। नमस्कार सरवण जी, कैसे हो? सबसे पहले तो आप बताइए, और मेले में आपकी मुहिम बहुत ही रंग लाई है, हम सब ने साथ मिलकर काम किया है और मेले लगवाने की ठान ली हमने। धन्यवाद सर, ये तो देखो सबका साथ होगा तो ही मेला लगेगा जी। बिल्कुल सबका साथ चाहिए। क्या है सरवण भाई, जो अजमेर पशुपालन विभाग है, हाँ हाँ, इसने जो ये बयान देखे कि भाई लंपी और ग्लैंडर है, हाँ हाँ, ये एक झूठी अफवाह फैला के इसमें जो मेले को खत्म करने की इनने कागार पे लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, 2017 में भी इनने यही काम किया था। हाँ हाँ हाँ, अगर ग्लैंडर है तो क्या पशुपालन विभाग ने आज तक अजमेर जिले के
किसी भी घोड़े का टेस्ट करा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्यों नहीं करा इनने टेस्ट? जहाँ तो ये कहते हैं ग्लैंडर है, तो किसी भी घोड़े का टेस्ट नहीं करा, चाहे वो साथी सागर की घोड़ियाँ हैं, चाहे वो किसी भी हैं। बिल्कुल, कोई भी जिले से, जैसे अजमेर है, चाहे नागौर है, चाहे घोड़े ब्यावर से है, पाली से है, कोई भी बताए ना कि इस जानवर में ये जांच की। बिल्कुल, मैं भी यहाँ ग्लैंडर नहीं है उनके अंदर। बंटी भाई, चार दिन से मैं भी यहीं पे हूँ, गुजरात में शो हुआ है, पंजाब में मेला चल रहा है, अभी जयपुर में खलना मेला हुआ था। बिल्कुल हुआ, तो वहाँ जांच करनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वो है नहीं, ऐसे ही बोल दिया भाई ना आ गया कि भाई इसमें ग्लैंडर है, ग्लैंडर। इतने सालों में किसी जानवरों को बताओ ना। बिल्कुल, और ऊँट तो कम से कम 400-500 ऊँट आप पहुँचे हैं, लेकिन ऊँटों में बिल्कुल भी बीमारी नहीं है, 1% ही। जब ऊँट वालों से मैं मिला, कोई बीमारी नहीं है, घोड़ों में नहीं है जी, बिल्कुल कोई घोड़ों में नहीं है बीमारी। ये तो साहब प्रशासन का, प्रशासन को मेहनत करना और खर्चा लगाना बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए हर साल, इस साल की नहीं है, हर साल होता है, हर साल कुछ ना कुछ रोड़ा फा देते हैं। 17 में कर दिया, 18 में कर दिया, कभी नोटबंदी का कर देते हैं, कभी इनको पाई ना चाहिए। तो रामेश्वर जी, आप तो क्या कहना चाहोगे सभी पशुपालकों को? हम तो ये सभी भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि जानवर आए हैं यार, और भी आएंगे, सब भाई मिल के आओ और मेला लगवाओ, मेला लगवाओ, जानवर लेके आ जाओ, प्रशासन का मेला है। बिल्कुल सही, ये सदियों से भरा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी आओ, यही कहना चाहते हैं, जानवर खूब आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज शाम तक मेरे ख्याल से काफी जानवर आ जाएंगे इस मेले में। हमने तो कल बोल दिया कि जानवर आएंगे तो आएंगे, अभी आ रहे हैं जानवर, 10-15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे। बंटी भाई के आ गए, सुनील जी के आ गए, सुनील जी के आ गए, 2-4 घोड़िया भी आई है, वो देखो घोड़ी भी आई है, आ रहे हैं जानवर, खूब जानवर आ रहे हैं शाम तक। बिल्कुल सही है, 100-150 जानवर आ जाएंगे। ये तो क्या है, एकदम लेट हो गया वो भाई दूज की वजह से, नहीं तो कल भी आ जाते जानवर काफी। ग्रहण भी था ना कल, कल सूर्य ग्रहण भी था, मुझे लगता है अब की बार तो बोसों के ग्रहण लगा हुआ है। क्यों बंटी भाई? सरवण भाई, आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहते हैं कि सारे पशुपालक अपना पशुकर मेला समझ के अपने अपने पशुओं को यहाँ लाने की बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक दूसरे की टांग की चाय छोड़ दो। बिल्कुल सही है, टांग की चाय के लिए बहुत टाइम है, लेकिन अभी तो अपना मेला है, ये राजस्थान की शान है साहब। बिल्कुल, आ चुके पुष्कर के अंदर, तो घोड़े वाले अपना एका दिखाए और घोड़े लेके आए हैं। बिल्कुल, और ऊँट वाले तो साहब ऐसे कह रहे हैं, प्रशासन को जवाब दिया ऊँट वालों के, साहब हम कहाँ जाए, हम तो गरीब आदमी है, हम अपना चूल्हा कहाँ चलाए। वैसे ही घोड़े वाले को भी आगे आना चाहिए, वैसे ही जाए। बिल्कुल भाई, हमारे को लोगों ने उधार माल दिया मेले के खातिर। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, अगर हम नहीं करेंगे, माल नहीं बेचेंगे तो पैसा कहाँ से चुकाएंगे लोगों को? आज देखो, दो बच्ची भर के लाया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची मेरे घर पे खड़ी है। बिल्कुल, अगर हम मेले में नहीं लाएंगे, माल नहीं बेचेंगे, पैसा कहाँ से चुकाएंगे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने बोल दिया बंद है, अरे हम बोलते भाई हमारे इतने जानवर है, एक का तो सैंपल ले, एक में तो बीमारी दिखा दो हमारे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आपने, हम तो गरीब आदमी है ना, हम तो मर जाएंगे, हमारा तो रोजी रोटी है मेला, हाँ हम कहाँ जाएंगे बेचने के लिए? करेंगे, बच्चे बच्चे बेचेंगे, अपने बच्चे पालेंगे, हमारा कोई दूसरा धंधा ही नहीं हमारा तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो घोड़ों पे साल भर का इंतजार रहता कि पुष्कर भरेगा तो माल लाएंगे, माल बेचेंगे, अपने बच्चे पालेंगे। अब साल भर में अगर आपने मेला बंद कर दिया और हमारे सामने लोगों से सबसे माल लेकर घर बांध लिया, अब सबको पैसे कहाँ से चुकाएंगे? बिल्कुल रोड पे आ गए हम तो। बिल्कुल सही बात है, रोड पे आ गए तो, ऐसा ही आपके साथ नहीं, बॉसों के साथ ऐसा ही है साहब, सबने माल खरीद रखा है, हमारा सहयोग करिए। बिल्कुल, हम यहाँ आए हैं, हमारे साथ यहाँ आइए, हमारे साथ। बिल्कुल, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पड़ेगा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई देखिए, आज 26 जानवर के पास में खड़े हैं, 2 जानवर अभी लेके आए हैं, अब ये कहाँ अपने घोड़े बेचे, कहाँ अपने घोड़े बेचे, दूसरे मंडी में जाए, ऐसा तो है नहीं, किसान आदमी है, ऐसा तो है नहीं कि ये स्टड फार्म खोल के बैठे हैं और वहाँ अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां बुला के और अपने घोड़े बेच देंगे। इनके लिए तो एक मेला ही जरिया होता है, और वहीं पे रोजी रोटी का जरिया ये मेला ही है साल भर का। अब हमारा नाम तो सारा खराब हो जाएगा, व्यापारी को हमने फ्री में माल अगर उनको फोक मेले में दिया, अगर हम उनको पैसा टाइम पे नहीं देंगे, हमारे को माल कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं देगा, तो लोगों की नजरों में चोर बांध जाएंगे। देखो, विश्वास पे ही देते हैं घोड़े, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि इतने गरीब किसान, इतने जो हम आज यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, परेशान हो रहे हैं, हमने लोगों से पैसे चुकाने, हमारे को दिमाग में दिल में इतनी टेंशन है, तो सरकार हमारी टेंशन क्यों नहीं ले रही है? बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन बच्चे सब मर जाएंगे, उनको लेना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका?
मेरा नाम नौरत जी। आप भी घोड़े वोड़े लेके आए हो यहाँ पे? लाए घोड़े, लोगों से कर्जा लेके लाए हैं। अच्छा अच्छा। अब वो घोड़ा घोड़ी मेला में नहीं बिकेगे तो लोगों को कर्जा कैसे चुकाएंगे? कर्जा कैसे चुकाएंगे? हमारे तो सबकी वही कहानी है, सबके मरना पड़ेगा, हमारे को जहर खा के मरना पड़ेगा, क्या करें? कर्जा कहाँ चुकाएंगे? लोगों को कहाँ से पैसे देंगे हम? बिल्कुल सही बात है आपकी, जायज बात है, सरकार को सोचना चाहिए और इस मेले की सारे पहली बात की परमिशन इसकी देनी चाहिए। साल भर की उम्मीद रखते हम, साल भर बाबा का एक पैर नकली है, देख लो आप, एक ऐसे पशुपालक भी है, एक पैर नकली होते हुए भी 20-20 जानवर रहते हैं और 60 साल से मेले में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बड़े व्यापारी हैं नाथू सिंह जी के साथ में। बिल्कुल, तो इनकी बात तो सुननी चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को इनकी बात। नाथू सिंह जी मेरे साझेदार है। अच्छा अच्छा, उनके साथ रहता हूँ। अब इनकी इनकी हिम्मत बनाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इनकी हिम्मत को देख के मैं सभी पशुपालक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो ऐसे पुराने आदमी भी इस मेले में आज एक टांग के खड़े हैं, तो आपके तो दो टांग है, फटाफट आ जाओ मेले में जल्दी अपने घोड़े लेकर। सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी, नहीं आ रहे हैं ना, उनके टांग है नहीं, बिल्कुल नहीं है, दिखावे की टांगे हैं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, वो दिखावे की टांगे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं वो, तो कि ये आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींचो। हमारा डेगना तहसील का वो पिंटू जी डेगना स्टेट वाला वो बाज रहा है ना, नहीं आ रहा है, बुलाओ उनको, आओ। अरे आपके तो पड़ोसी, आपके तो पड़ोसी है रामेश्वर जी, कल का डंडा कर रखे हैं, आ भाई आगे आ, बिल्कुल हम सारे आए हैं आप, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी को यही कहना चाहूंगा कि सरकार का फैसले को निरस्त करो और सभी अपने घोड़े लेकर और इस मेले में अपने घोड़े बेचो और अपना घर खर्चा चलाओ बस। बिल्कुल, घोड़ा है चाहे ऊंट है चाहे बैल है, आएगा किसान का जानवर नहीं है, किसान रुकने वाले नहीं है भाई, किसान का जानवर मेला के अंदर नहीं है तो किसान कहाँ पर ले जाएगा? ले बड़े फार्म वाला तो बाहर ले जाएगा, बड़े फार्म वाला का तो वहाँ पर ही आकर खरीदे, घर बैठे बिक जाएंगे। बिल्कुल, हमारे तो किसान का जो जानवर है तो कहाँ बिकेगा? बिल्कुल सही बात, हमें किसान की, हमारा रहने वाले गाँव रीढ़े तहसील परवशर है, मैं RLP का नेता हूँ, किसान नेता हूँ। बिल्कुल, और मैं आज कहता हूँ कि मैंने जो RLP ने अटे पूरी RLP ने पुष्कर मेले के अंदर खड़ी करने के जवाबदार हूँ, नेताजी को लेने के लिए जवाबदार हूँ, के किसान के लिए, बिल्कुल किसान के लिए, लेने के लिए, किसान के लिए, मरने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी हालत मरने के लिए, संघर्ष करने के लिए वो तैयार है, और ये किसान का मेला होना चाहिए, कोई पार्टी का मेला नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं है, किसान के लिए कोई राजनीति नहीं है। बिल्कुल, मैं दावा करता हूँ कि परमेश्वर तहसील के मैं खियाराम चौधरी सनो बोधुराम जाति चार निवासी रीढ़ के मैं ये बोल रहा हूँ कि RLP के नेता हूँ, और ये मैं RLP के ऊपर से बात कर से और फिर बाहर मेले में 10 बजे उतरा हूँ कि हमारा किसान का क्या होएगा। बिल्कुल सही मेरे बात, मेरे किसान का होएगा क्या? हमारा किसान को जहर खा के मरना पड़ेगा, बिल्कुल, ये किसान बिल्कुल का मेला बंद कर देगा तो हमारे को जहर खा के मरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मेरे को? बिल्कुल जायज बात आपकी, ये हमारे किसान के साथ हूँ, किसान मरेगा तो हम भी मरेंगे और किसान के साथ साथ रहेंगे, ये किसान के साथ नहीं रहेंगे तो किसान का हाल क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये किसान तो मर जाएगा, क्या चारा खिलाएगा? चारा का लींडी का भाव है 50 रुपये किलो, ये किसान क्या खुआएगा? ये ज्वार की कुट्टी का है 40 रुपये किलो, ये क्या खुआएगा? बाजरा होगा 22 रुपये किलो, क्या खुआएगा? जो होगा 50 रुपये किलो, क्या खुआएगा? ये इसका सुमित कर दिया जाएगा राजस्थान का, ये राजस्थान का मेला है, किसान का मेला है, ये मैं आ कहता हूँ, किसान ने आज दिलाता हूँ कि किसान आओ और किसान का मेला भराओ और किसान की विक्रेता होना चाहिए। अब किसान के क्या? बिल्कुल बिल्कुल, किसान का जहर खाएगा, किसान का कुएं के अंदर गिरेगा, किसान क्या करेगा मेरे को बताओ? किसान के ये अब फसल भी नहीं हुई, ये बरसात भी नहीं हुई, तो किसान अब चारा कैसे खिलाएगा? बिल्कुल, ये ये किसान की छूट दी जाएगा, मैं 3 बार बोलता हूँ कि किसान की छूट दी जाएगा, गेलो सरकार ये कल की तारीख में आदेश करे और किसान की मदद करे, कांग्रेस पार्टी मदद करे हमारी, ये इसलिए राजस्थान का मेला है, पुष्कर मेला किसान का मेला है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इसके मायने जो सरकार मेरी बात सुन करके अभी सरकार के ने मैसेज पूछना चाहिए तुरंत, और बिल्कुल, सरकार बिल्कुल, मेरी मदद करनी चाहिए, और किसान के साथ के मायने हमारो क्या करना है, जो किसान की हत्या करनी है तो कर दो। बिल्कुल राइट बात, ये पूरा किसान है, कहां ले जाएं, क्या करेंगे, क्या पाकिस्तान थोड़ा ही ले जाएंगे, राजस्थान का जानवर राजस्थान के अंदर रहेगा, बताओ ना कहीं बीमारी के, कोई बीमारी तो जांच की है, चेक पार्टी लगा दो, ये जानवर इतने आए, चेक पार्टी लगा दो, चेक पार्टी लगा दो, चेक ये जानवर होता है तो इसको बाहर निकाल दो, जहाँ जहाँ पर
ये मैं तो यही बोल रहा हूँ कि हम राजस्थान सरकार ये बात को सुन करके बड़ी सोच करके और बड़ा दिमाग लगकर किसान की साथ देना चाहिए। ये बोल रहा है राहुल गांधी जी कि मैं किसान का नेता हूँ, किसान का नेता हो तो किसान की साथ दो, यानी किसान तो मरने के लिए तैयार हो मेरे लिए, वो किसान आप क्या मारोगा की किसान ने तो ऐसे ही मार दिया, जो बरसात पानी नहीं होता है, जमाना नहीं होता है, अब एक ही घर में 20-20 पशुपालन हुआ, किसान क्या करेगा? बिल्कुल सही, किसान की तो हालत खराब है। जय हिंद जय भारत। बहुत ही बढ़िया साहब, आपकी ये बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी हमारे जरिए। नाटो कोई वोट नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात है।